एक सूत्री मांग को लेकर हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फिर से राजधानी रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कलेक्टर दर करने की मांग कर रही हैं। इससे पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में कलेक्टर दर देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही है। 5,000 से ज्यादा की संख्या में प्रदेश भर की महिलाएं आज बूढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन में पहुंची हैं। इनके जो कलेक्टर का घेराव करने जा रहे थे, बड़ी संख्या में यहां पे जो है पुलिस बल भी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस बल है। इनसे सीधे बात करेंगे, क्या मांगे हैं और किस प्रकार की मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से महिलाएं लोग आए हैं और आगे कहाँ जाने की, बताइए। पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पहुँची है। केवल एक ही मांगों को लेकर के आज पूरी कार्यकर्ता और सहायिका पहुँची है। वो हमारी मांग है कलेक्टर दर की मांग, जो आज से 3.5 वर्ष पहले जन घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया था कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी वैसे ही हम आपको कलेक्टर दर का जो है वो मांग देंगे। लिखित मांग देने के बाद में भी आज 3 वर्ष 6 माह बीतने के बाद में सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार महिलाओं के लिए, एक महिलाओं का जो एक बड़ा वर्ग है, हम लोग को जो है वो उपेक्षित कर रही है। हमारे किसी भी मांग को लेकर के आज तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। तो ये महिलाएं थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, कलेक्टर संघ की जो इनकी मांगे हैं वो अपनी मांगों को लेकर आए थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था, सरकार से बातचीत भी हुई थी, आश्वासन भी मिला था, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर आज राजधानी रायपुर में आंगनबाड़ी सहायक संघ की जो महिलाएं हैं, लगभग 5,000 की संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ आई हैं और राज्य सरकार का और कलेक्टर घेराव के लिए निकले हैं और लगातार प्रदर्शन इनका लगातार जारी है।